खनिया थाना क्षेत्र में लगातार किसानों की बिजली मोटर एवं ट्रैक्टरों की बैटरी चोरी के मामले पिछले कई दिनों से आ रहे थे। इन मामलों को सुलझाने के लिए पिछले कई दिनों से खनिया थाना पुलिस प्रयासरत थी और पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश सिंह चंदेल द्वारा भी शीघ्र इन चोरी के मामलों को सुलझाने के लिए आदेशित किया गया था। इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए श्रीमान अधीक्षक पुलिस अधीक्षक महोदय जिला शिवपुरी श्री प्रवीण कुमार भूरिया एवं SDOP पिछौर श्री दीपक तोमर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी श्री तिमेश छारी ने अपने प्रयास एवं तेज कर दिए। दिनांक 13 को थाना प्रभारी खनिया थाना श्री तिमेश छारी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि खनिया थाना पिछौर मार्ग में दो लोगों को चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। थाना प्रभारी तिमेश छारी ने तत्परता दिखाते हुए दो युवकों को खनिया थाना पिछौर मार्ग से गिरफ्तार किया। दोनों युवकों के पास से चोरी के स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर दोनों युवकों ने अलग अलग चोरियों में करीब 5 विद्युत मोटर एवं 4 ट्रैक्टर की बैटरी चोरी करना कबूल किया है। चोरी का सारा माल खनिया थाना पुलिस द्वारा दोनों युवकों से बरामद कर लिया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,90,000 रुपए बताई जा रही है। इसी दौरान कल जो है पुलिस को सूचना मिली कि ये दो लड़के जो है मोटरसाइकिल को बेचने के उद्देश्य से खड़े हैं। इस सूचना पर दोनों आरोपियों को पकड़ा और चोरी हुई मोटरसाइकिल से बरामद हुई। दोनों आरोपियों के नाम सोहेल वंशकार, दूसरे का नाम शिवेंद्र छत्र प्रकाश बुदेला। ये दोनों खनिया थाना के निवासी हैं। इनके कब्जे से चोरी हुई मोटरसाइकिल और 5 बिजली की मोटरें और ट्रैक्टरों की 4 बैटरी उन्होंने चुराई थी अलग अलग जगह से। इनके विरुद्ध अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए गए और इनको न्यायालय में पेश किया है और जेल वारंट पर जेल दाखिल किए जा रहे हैं। धन्यवाद।